हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी क्लर्क का रिजल्ट आ चुका है, एसबीआई के रिजल्ट आ चुके हैं, मतलब एसबीआई के तो काफी पहले आ चुका है, आरआरबी क्लर्क एंड पीओ प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है। बात यह है कि अगर अभी तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड होंगे, आप निराश होंगे। स्पेशली तब आप निराश ज्यादा होंगे अगर आपने बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया से मेहनत की होगी, तो डेफिनेटली आपको बुरा फील हो रहा होगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर अभी तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है या पिछले दिनों आपका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा है, तो उसमें अब आप कुछ नहीं कर सकते हो। जो भी आपको करना था एग्जाम के पहले करना था। अगर आप आधा नंबर एक नंबर से रह गए बाई चांस, तो फिर वो आपका बैड लक है कि भाई उस समय कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर आप ज़्यादा मार्क्स से रह गए, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपकी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी थी। दोनों में ना आप अपना बैड लक सही कर सकते हो, ना आप अब पहले जा करके अच्छे से पढ़ के उस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, क्योंकि जो टाइम था वो निकल गया। लेकिन क्या आप अभी कर सकते हो, वो ये है, अच्छे से जी जान लगा के पढ़ सकते हो और आने वाले एग्जाम्स क्रैक कर सकते हो। बात यह है कि अब आप कहेंगे कि आरआरबी तो हो गया, एसबीआई तो हो गया, लेकिन अभी भी देखिए, अगर जिन एग्जाम्स की डेट नज़दीक है उसमें तो अब जेन्युइन चांस आपके पास नहीं है, अगर आपने पढ़ाई में मेहनत ढंग से नहीं की है। जिन्होंने पहले से ढंग से पढ़ा है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे एग्जाम्स करें। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है, एक तो अभी आईबीपीएस क्लर्क का जो फॉर्म है वो भर दीजिए, ठीक है। एक यहाँ पर आपके पास बहुत ही जेन्युइन चांस बन रहा है, अगर आप अपना 200% यहाँ पर दे दें, थोड़ी मेहनत कर दें, तो अगर आपको बिल्कुल बेसिक नॉलेज भी होगी ना, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि इतना टाइम है आपके पास कि थोड़ा बहुत बेसिक भी आता है तो भी आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा आता है आपका एलआईसी असिस्टेंट की वैकेंसीज आई हैं, ठीक है। तो एलआईसी असिस्टेंट की जो वैकेंसीज हैं उसमें आप फिलहाल अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने से, लेकिन आप अप्लाई तो हर एग्जाम में ही करते हैं। देखिए, जो एलआईसी है और जो आईबीपीएस है, ठीक है, आईबीपीएस का क्लर्क है, आईबीपीएस और एलआईसी दोनों के केस में जो सिलेबस रहने वाला है वो 90% सेम है, ठीक है। बात आती है मेंस एग्जाम में, एलआईसी में थोड़ा सा क्या होता है कि जो करंट अफेयर का सेक्शन आता है उसमें इंश्योरेंस का पार्ट थोड़ा ज़्यादा आता है, और आईबीपीएस क्लर्क में बैंक रिलेटेड फाइनेंस की न्यूज़, ठीक है, ये सब थोड़ा ज़्यादा आता है। तो कोई खास फर्क वो भी नहीं है। जो आपको डेली बूस्टर्स दिए जाते हैं, जीके के डेली कह रहा हूं, मतलब एग्जाम टाइम पे, वो मोर देन इनफ होते हैं, उसमें लगभग सब कुछ कवर होता है। नहीं तो आपको गोल्डन करियर की जरूरत भी नहीं है, और हम भी बहुत सी वेबसाइट से ढूंढ कर जो सही लगता देते हैं आपको, जो वेबसाइट सही लग रही है, जहां भी आपको लग रहा है यार ये बूस्टर बढ़िया लग रहा है या इनका जो है करंट अफेयर्स अच्छा लग रहा है, वहां से पढ़िए। मेन आपका, देखो, हमारा मोटो ये है कि आपकी जितनी हो सके उतनी हेल्प हो सके, आप लोग वेबसाइट पर जाएं, कैट पर क्लिक कर दें, थोड़ा रेवेन्यू जनरेट हो, जिससे फिलहाल ये वेबसाइट कंटिन्यू रहे, फिर फ्यूचर में देखते हैं एक्सपेंशन इसका कहाँ तक होगा। अभी तो ऐसा है कि कुछ पैसे जो है लगाने ही पड़ रहे हैं, और इसमें से अगर बहुत लोग मतलब ऐसा एंटिसिपेट करते हैं कि यार बड़ा प्रॉफिट हो रहा होगा, कुछ भी नहीं है। पिछले पहले वीडियोज मैंने बनाए हैं, उसमें मैंने आपको जाके एग्जैक्ट दिखाया भी है कि देखिए इतना इतना आ रहा है। लेकिन आपका मोटो क्या होना चाहिए, आपका मोटो ये नहीं होना चाहिए कि यार चलो ठीक है सर कह रहे हैं, यार एक ऐड पे क्लिक कर देते हैं, ये वो तुम में। मेन मोटो आपका ये होना चाहिए कि आपको एनी हाउ एग्जाम क्रैक कर देना है। अगर आपके अंदर ये नहीं होगा कि इस साल एनी हाउ क्रैक कर देना है, तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों में क्या होता है, कल पे टालने की आदत होती है, कुछ लोगों में ये होता है काउंट करते हैं, अच्छा मेरी यार डेट ऑफ बर्थ है 1995, अभी चल रहा है 2019, यार अभी तो मैं 24 साल का हुआ हूँ, 28 तक तो मिनिमम एलिजिबिलिटी होती ही है, अभी तक 4 साल हैं यार, पढ़ लेंगे निकाल देंगे। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो जीवन में कभी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। कुछ लोग ये करते हैं 60 डेज हैं यार एग्जाम के, यार थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लिया, बेसिक तो सब पे ही पता है, कब लास्ट के 30 दिन में एकदम जी जान लगा के पढ़ देंगे और 200% मेरा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। उनका भी सिलेक्शन कभी नहीं होता है, क्योंकि बहुत से सीरियस कैंडिडेट्स हैं जो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, और आपकी जो कंपटीशन आपका जो होने वाला है वो उन्हीं कैंडिडेट से होने वाला है। सपोज करिए बैंक एग्जाम में ऑन एवरेज 5 लाख कैंडिडेट्स जो है वो अप्लाई करते हैं, मेरा ये मानना है 10% कैंडिडेट सुपर सीरियस होते हैं, तो 50,000 कैंडिडेट्स अगर वहाँ पर सीरियस हैं, तो आप ये देखिए कि उन 50,000 कैंडिडेट्स में वैकेंसीज कितनी होती हैं, 2,000 से लेकर के 6,000 के बीच आज की डेट में ऑन एवरेज वैकेंसी होती है, ठीक है। तो आप देख लीजिए 50,000 सीरियस लोग और उसमें से 2,000 से 6,000 के बीच का सिलेक्शन होना है हर एग्जाम में, तो फिर आपको क्या करना होगा, डेफिनेटली बहुत मेहनत करनी होगी। अब ये आप कहेंगे यार सर ये तो बहुत मुश्किल है, 50,000 में कितने लोग पढ़ने में मुझसे तेज होंगे, तो मैं कहूँगा भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, सब पढ़ने में आप ही के जैसे हैं। जब मेरे ऐसे इंसान का सिलेक्शन एक रेंट में हो सकता है, तो आप में जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सबका हो सकता है, क्योंकि मेरा ये मानना है और मैं जानता हूँ, मानना नहीं ये सच है, मैं पढ़ने में बहुत ही
एवरेज टाइप का हूँ, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं पढ़ने में खराब हूँ, लेकिन मैं ब्रिलियंट टाइप भी नहीं हूँ। हाँ, एक कंप्यूटर की फील्ड छोड़ दिया, उसमें मुझे लगता है कि हाँ जो भी हो मैं कर लूंगा कैसे भी, ठीक है, उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज है क्योंकि इंटरेस्ट है उसमें मेरा ज़्यादा। बेसिकली बात करें बैंकिंग फील्ड में, कोई खास मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था, ठीक है। एक होती है ना, मैं काम अपना कुछ और कर रहा था एक्चुअली, लेकिन उसमें थोड़ा सा ना इतना पैसा था और ना ही स्टेबिलिटी थी, इस वजह से एक ये चीज़ चूज़ की गई मेरे द्वारा कि कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब कर ली जाए, और मैं आके बैंक में फंस गया, ठीक है। मैं फंसना इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि जो मेरा मन था वो कर लूँ, बेसिकली जो मेरा मन था वो मैं कर भी रहा था, लेकिन यार बहुत दिक्कत है। जब तक आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट आजकल बहुत अच्छा ना होना आपकी फैमिली से, मतलब कि आपको 10-20 लाख खर्चा करने में कोई फर्क ना पड़े, तब तक आज की डेट में कोई बिजनेस आप स्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। सेम था, वैसे तो जॉब नहीं करनी थी मुझे, लेकिन जब सोचिए मेरा मन भी नहीं करने का और मैं पढ़ने में भी एवरेज, तब मेरा सिलेक्शन हो सकता है। और बहुत टाइम भी नहीं हुआ है, 2 साल सिलेक्शन का हुआ है, तो फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिलेक्शन आपका नहीं हुआ। आप देखेंगे आपके आसपास आपसे कमजोर, आपसे पढ़ने में थोड़े अच्छे लोग का सिलेक्शन हो जाता है। बात ये होता है आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ उस पर फोकस करिए और इस बात को लेकर के एकदम कॉन्फिडेंट रहिए कि आपका सिलेक्शन 200% हो सकता है अगर आप पढ़ाई कर लें तो, ठीक है। कुछ ना कर, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करें क्या स्टार्ट करें, सिर्फ एक काम करिए, मेरी बात मानिए, गोल्डन करियर की वेबसाइट पर जाइए। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जब स्टडी मटेरियल गोल्डन CARER.co.in ये वेबसाइट है, आप वेबसाइट ओपन करेंगे, स्टडी मटेरियल पे क्लिक करेंगे, वहाँ ढेर सारा स्टडी मटेरियल है, अपनी पसंद से आप सॉल्व करना स्टार्ट करिए। एक एक टॉपिक वाइज दीजिए और उनको सर्च करिए और वहाँ पर उस टॉपिक का मटेरियल सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 2-4-6 मटेरियल पड़े होंगे, सब में से 20-20 क्वेश्चन कर लिए, नेक्स्ट टॉपिक उठाइए उसको करना स्टार्ट करिए। मैथ्स रीजनिंग के साथ टॉपिक कर डालिए, इंग्लिश की वहाँ पर बुक ऑब्जेक्टिव इंग्लिश सर्च करिएगा, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की बुक पड़ी हुई है वो आप कर लीजिए। उसके बाद जो है आप कुछ भी करिए, लेकिन करंट अफेयर्स भी साइड बाय साइड पढ़ते रहिए, ठीक है। आपको इस वेबसाइट पर इतना स्टडी मटेरियल मिल जाएगा कि आपको कहीं भी सिलेक्शन दिला सकता है। रीज़न क्या है, क्योंकि ये हमने खुद प्रिपेयर नहीं किया है, अलग 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 वेबसाइट से जहाँ पर फ्री अवेलेबल है, क्योंकि पेड मटेरियल हम आपका शेयर नहीं कर सकते हैं दोस्तों, कॉपीराइट का इशू आएगा, उसमें मैं भी फंस जाऊँगा, ठीक है। एंड बेसिकली गोल्डन करियर जिसका भी है वहाँ फंस जाएगा, क्योंकि गोल्डन करियर आप लोग को लगता है मेरा नहीं है एक्चुअली, क्योंकि ये मेरे नाम पर भी नहीं है और मेरे फैमिली में भी किसी के नाम पर नहीं है, ये कोई और चला रहा है और उसकी तरफ से मैं वीडियोस फिलहाल बना रहा हूँ। फ्यूचर में ये है कुछ ऐसा ये स्टेब्लिश हो जाता है तो मैं जॉब छोड़ दूंगा तो मैं भी करने लगूंगा, ठीक है। फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी यही बात है कि आप लोग पढ़िए और बिल्कुल भी डिसअपॉइंट मत होइए। जो एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ वहाँ से कुछ ना कुछ आपको उस फेल्योर से सीखने को मिला है कि भाई आपसे गलतियाँ क्या होती हैं, आपने क्या मिस्टेक की है, उनमें सुधार करिए। इन 2 एग्जाम्स में LIC एंड IBPS में अप्लाई जरूर करिए, जरूर से जरूर करिए। पैसे की कोई दिक्कत हो अरेंज करिए, कैसे भी करिए दोस्तों, खर्चे कम करिए, एग्जाम में अप्लाई जरूर करिए, ये आपका फ्यूचर। एक बार जॉब मिल गई ना तो बाद में जरूर लगता है फंस गया, लेकिन यार फंसते फंसते भी जिंदगी बहुत अच्छे से चलती रहती है, क्यों, क्योंकि एक सोर्स ऑफ इनकम होता है आपके पास जो परमानेंट होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ेंगे एंड बढ़िया से इस बार सिलेक्शन लेंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को वेबसाइट को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।